वर्कशीट करेंगे वो दिल्ली से आई हुई वर्कशीट है, दिल्ली के बच्चों के लिए। तो सब्जेक्ट है इंग्लिश जेनरिक, वर्कशीट है G12, डेट है 19/7/2021। ये 7th और 8th दोनों क्लास के लिए है। सबसे पहले तो अपना नाम भर देना और क्लास टीचर का नाम। तो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रेटिट्यूड जर्नल, मेरा सौभाग्यपूर्ण जर्नल, तभी तो जी है। राइट नेम्स ऑफ पीपल यू फील ग्रेटफुल थैंकफुल टू हैव इन योर लाइफ। ऐसे पीपल्स का नाम लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो या ग्रेटफुल हो, जिनके लिए वो आप थैंक्स बोलना चाहते हो अपने लाइफ में होने के कारण। तो सबसे पहले तो इसमें पेरेंट्स, मेरे लिए तो पेरेंट्स होगा सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड, फिर उसके बाद टीचर। टीचर से लिखते नहीं हैं लेकिन लिख देते मस्का लगाने के लिए। टीचर राइट बिलो द नेम्स ऑफ 3 things यू फील ग्रेटफुल फॉर। आई फील ग्रेटफुल टू हैव। ऐसी 3 चीज़ों का नाम लिखिए जो अपने ज़िंदगी में पाके तुम ग्रेटफुल हो। सबसे पहला मेरे लिए बुक लिख देना, सबसे पहले बुक लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो, उसके बाद बाइक लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैं बाइक से बहुत घूमता हूँ। उसके बाद माई बैट, क्योंकि मैं बहुत खेलता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। अब राइट 3 things यू वॉन्ट टू डू ऑक्यूपेस नेक्स्ट वीक। अब ऐसी 3 चीज़ों का नाम लिखो जो आपको चाहिए अगले 3 हफ्तों में। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ड्रेस, चाहिए एक बैग, चाहिए और एक क्रिकेट सेट चाहिए, जो कि मिलेगा तो है नहीं लेकिन लिखने में खा रहा है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ लिखना है अपने शीशे, अपने आप को सबसे पहले शीशे में देखना है और ऐसी 3 अच्छी चीज़ें लिखना है अपने बारे में। तो सबसे पहले मैं कितना सुंदर हूँ, तो लड़का हूँ तो हैंडसम लिख देता हूँ, जो लड़की होगी वो ब्यूटीफुल लिख लेना। ऐसे हूँ नहीं लिखने में जाना है, हैंडसम। और मेरी हाइट भी अच्छी है, अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं हैंडसम और हाइट लिख देता हूँ। और एक और चीज़, मेरे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, कपड़े के लिए CLOTH क्लोथ्स लिख देते हैं, ES भी लगा देते हैं। 3 चीज़ें लिखनी थी कुछ भी, तो आप अपने सेल्फ में और भी कुछ लिख सकते हो। राइट 1 habit अबाउट योर सेल्फ दैट वुड यू लाइक टू चेंज। ऐसी एक आदत लिखनी है जिसको तुम चेंज करना चाहते हो। सबसे मेरी गंदी आदत क्या है, घूमना मेरी बहुत गंदी मेरी आदत है खेलना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लेइंग। प्लेइंग और चेंज करके हम क्या बनाएंगे इसको, लाइक टू, यहाँ पे फिर लिख देना लाइक टू चेंज इन, अब जो करना चाहते हो स्टडी लिख देना फिर, समझे। कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ फिर से, इसमें वैसे लिख नहीं पा रहा मैं सही से। तो आप लिखना प्लेइंग आई वुड लाइक टू चेंज इन टू स्टडी, मैं प्लेइंग को छोड़कर स्टडी करना चाहता हूँ, बस ये हमारा इसका सीधा सा आंसर है। उसके बाद हमारा ये वर्कशीट होता है ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। अच्छा लगे तो ही लाइक करना, नहीं लगे तो